बिहार में कोविड-19 का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां कोरोना वायरस से संक्रमित एक महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। इसके साथ ही बिहार में अब मौत का आंकड़ा 9 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में कोरोना से 9वीं मौत हो चुकी है। मृतक महिला वैशाली जिले की रहने वाली है। वैशाली के सिविल सर्जन डॉक्टर इंदेव रंजन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मृतक महिला पहले से ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित थी। इस महिला की उम्र 75 साल बताई जा रही है। मृतक बुजुर्ग महिला की रिपोर्ट 14 मई को कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसे 15 मई को बेहतर इलाज के लिए पटना के NMCH में रेफर किया गया था। बिहार में कोरोना से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। पटना और वैशाली में रहने वाले 2-2 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। इसके अलावा मुंगेर, मोतिहारी, सीतामढ़ी, सासाराम और खगड़िया जिले के रहने वाले 1-1 लोगों की मौत कोरोना वायरस के कारण हुई है। स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1363 लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहीं 9 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में 499 लोग ठीक भी हुए हैं। बिहार में अब कोरोना के 855 एक्टिव केस हो गए हैं। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।